सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्ते, लल्लन टॉप की चुनावी टीम दिल्ली विधानसभा चुनाव करने मैदान में उतर चुकी है। आज हमारा पहला दिन है। मेरी टीम यानी स्वाति और राशिद की टीम इस वक्त विधानसभा संख्या 9 यानी किराड़ी विधानसभा सीट में है। यहाँ के मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के इस बार के भी प्रत्याशी हमारे साथ ऋतुराज जी हैं। हम उनसे बात करके जानते हैं कई सारी चीज़ें। हमने इससे पहले इलाके में लोगों से बात की, चौक चौराहे पर खड़े होकर बात की, उनसे पूछा वो क्या सोचते हैं, उनकी दिक्कत परेशानियां, और पार्टी के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर इनकी क्या स्ट्रेटजी है और ये क्या खाता बही लेकर लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूर्वांचली वोटरों का इलाका है ना, तो यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन में भी ध्यान रखा जाता है पूर्वांचली फैक्टर, और इस तकरीबन 30 के करीब सीटें हैं दिल्ली में जहाँ पर पूर्वांचली एक फैक्टर निभाते हैं। तो हमारा तो जैसे मेरा आना दिल्ली में यूँ हुआ कि पढ़ाई के सिलसिले में, आपका आना कैसे हुआ मैनेजमेंट? हम लोग भी पढ़ने के लिए आए थे, मेरे पिताजी टीचर थे और करनाल हरियाणा में ही मेरी स्कूलिंग हुई थी, फिर ऊटी तमिलनाडु में कॉलेज की पढ़ाई हुई थी, फिर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आए थे, पिताजी भी यहीं पे टीचर थे। तो इस तरीके से फिर अन्ना आंदोलन के दौरान फिर आंदोलन में शामिल हुए, अरविंद जी से मिले, और फिर ऐसे सफ़र आगे बढ़ता गया, और फिर 2015 में हमने कंटेस्ट किया था इस विधानसभा क्षेत्र से। कितने साल के थे? 26 साल का था जब कंटेस्ट। और अभी 31 के हैं आप ना, 26 साल की उम्र में आप विधायक बन गए। इन 5 सालों में देखिए बड़ी उपलब्धि है, 26 साल में विधायक बन जाना, और वो भी बहुत भारी बहुमत दिया आपको दिल्ली की जनता ने। बैकग्राउंड के जी, आपका बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और वैसे दिल्ली की जनता के तौर पर बता रही हूँ कि 70 में से 67 सीटें जिता दी आपको। तो अब आपको क्या, आप जब लोगों के पास जा रहे हैं तो आपके पास क्या है बताने को इन 5 सालों का कामकाज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ये 95% जो एरिया है अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ पर 95% पॉपुलेशन प्रवासियों का है, यानी कि बाहर से लोग आकर के बसे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और स्पेशली ये जो बसावट हुई है अनऑथराइज कॉलोनी की, वो आफ्टर लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब बड़े शहरों में दिल्ली में मुंबई में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद काम मिलने लगा, रोजगार के उत्पन्न जब मतलब कि जाहिर सी बात है अवसर प्राप्त हुए, उस वक्त धड़ल्ले से अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली में बसी थी, जिसके दौरान ये भी बसा था। जाहिर सी बात है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। मुझे याद है 2015 में जब हमने एज ए MLA शपथ लिया था, मेरे MLA ऑफिस पे रोज़ 500 महिलाएं पीने के पानी का टैंकर मांगने के लिए आती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि पानी की टैंकर के ऊपर में सब आश्रित थे, पीने का पानी तक नहीं था यहाँ पे, मतलब महिलाएं मारा मारी किया करते हैं टैंकर पे, मतलब थाने में केस तक रजिस्टर्ड हो जाता था, मतलब डेली होता था, बहुत तरह की दिक्कतें थी। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उस वक्त हमें दिल्ली जल बोर्ड का मेम्बर बनाया गया था, किराड़ी क्षेत्र के अंदर में 85 कॉलोनी के अंदर में पीने के पानी की लाइन बिछाई गई और घर घर पीने का पानी पहुंचाया गया, और आज अपना पूरा क्षेत्र जो है किराड़ी क्षेत्र, वो आज टैंकर मुक्त हो गया है, हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया। अब पानी पहुंच तो गया, लेकिन अब पानी निकलेगा, जाहिर सी बात है ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, उसकी भी कमी थी। फिर हम लोगों ने सीवर लाइन पे और ड्रेनेज पे काम करना शुरू किया है, ड्रेनेज पे भी काफ़ी हद तक काम हुआ है। सीवर का मैं आपको बता दूं, पूरे क्षेत्र के अंदर में एक लकीराम पार्क कॉलोनी है जहां पर सीवर की लाइन डल चुकी है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, और 105 कॉलोनी का 450 करोड़ का प्रोजेक्ट 9 अगस्त 2019 को टेंडर हो चुका है, यानी कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर में वो प्रोजेक्ट जमीन पे होगा। 105 कॉलोनी में जब सीवर की लाइनें डल जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्र रहने लायक बन जाएगा। 70 से 75 कॉलोनी ऐसी है जहां पर या तो सड़क नालियां बन चुकी है या बन रही है, तो मतलब करने के लिए यहां पर बहुत कुछ है। 10 मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाए हैं,
किराड़ी क्षेत्र में जमीन नहीं थी, मतलब कि कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं था, आपको 100 गज की जमीन तो कम से कम चाहिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए। तो RWS से बात किया, RWS ने किसी ने ट्रांसफर के लिए जमीन रखी थी, किसी ने मंदिर के लिए जमीन रखी थी, हमने हाथ पैर जोड़े, हमने कहा कि देखो 100-200 लोगों का रोज़ इलाज अगर जिस मोहल्ला क्लिनिक में होगा वो भी किसी मंदिर से कम नहीं है। तो काफ़ी उनको कन्विंस करके हम लोगों ने 10 जगह लिया, 10 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, चल रहा है, 10 मोहल्ला क्लिनिक और बनाने की योजना है। स्कूलों के अंदर बहुत काम हुआ है, स्कूलों के अंदर में आप देखेंगे जाकर 300 से ज़्यादा नए कमरे बन के तैयार हो गए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले था, मतलब कि आप लगा लीजिए कि टीना टप्पर का स्कूल होता था, जाले लगे होते थे, टॉयलेट तक नहीं था, मतलब इतनी ख़राब स्थिति है। मैं आपको कोई बिहार झारखंड के स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं ये दिल्ली की हकीकत है जो केवल 5 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ। और स्कूलों से मुझे बड़ा लगाव रहा है, मैं खुद एक मास्टर का बेटा हूँ, स्कूलों में हर महीने जाता था, केवल मेरा खुद का भी बहुत इंटरेस्ट रहा इस चीज़ में। तो आज मैं देखता हूँ कि स्कूलों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव आया है। घर के ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा था 11,000 वॉट का, और हम तो मतलब हमने एक, आपको मैं एक वाकया बताता हूँ, एक महिला गांव से आई, उसने क्या किया, अपना झोला रखा और नहा धो कर के वो साड़ी को छत पे गई पसारने के लिए, यानी कि उनको लगा सुखाने के लिए, तो छत के बीच में से एक तार जा रहा था, उनको लगा कि तार जो है वो कपड़ा सुखाने वाला तार है, उस पर जा कर के उन्होंने वो कपड़ा को रखा और उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो 11,000 वॉट का हाई टेंशन वायर था। अभी हाई टेंशन तारें हटानी शुरू करी है, कई कॉलोनियों की हट गई है, कई कॉलोनी की हट रही है, मतलब इतनी सारी समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर में है। बहुत हद तक हमने चीज़ों को ठीक किया है, मतलब एक बारात घर तक नहीं था, किसी को अगर किसी गरीब को अगर बेटी की शादी करनी है तो बड़े बड़े वाटिका उनको बुक करने पड़ते थे। आज 3,000 गज का एक बारात घर है जहाँ पर केवल BDO ऑफिस में जाकर 1100 रुपये की बुकिंग करके 3,000 गज का बारात घर में कोई भी अपनी बेटी की शादी कर सकता है। जच्चा बच्चा अस्पताल भी बनवाए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने की है, बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। ये जो आपका आपके वाक्य का दूसरा हिस्सा था कि बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, कई सारे लोग जो हमें मिले उनका ये कहना है, उनकी ये शिकायत है कि काफ़ी देर से जगे विधायक, काफ़ी देर से, जैसे आपने सरकार के, अपनी सरकार के तौर पर उपलब्धियां गिनाई तो लोगों ने कहा कि इतनी देर से आकर क्यों 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त की गई, पूरी सब्सिडी दी गई, या फिर DTC बसों में जो महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी गई, तो कई सारी चीज़ों पर आलोचक जो हैं वो कह रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि भले आपने गारंटी कार्ड दिया हो कि ये चीज़ें, ये स्कीम्स जारी रहेंगी, लेकिन वो शक कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप सब मीडिया के लोग हैं, दरअसल हम लोगों को पावर कब मिला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हम चक्कर काटते रहे। आपको याद होगा कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने के लिए, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, CCTV कैमरा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धरना तक देना पड़ा था। 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो कि हम लोग केस लड़े, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बारिंग 3 सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जितना भी बाकी सब्जेक्ट है वो उसके लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट ही मतलब फाइनल अथॉरिटी हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि काम की जो रफ्तार है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज़ हो गया, सारे काम पिछले 1.5 साल के अंदर में हुए हैं। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता नहीं समझती है, सारी बात समझती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में, आपको बिजली पानी के ऊपर में, ये सारी बुनियादी सुविधाएँ। आज आप एक चीज़ देखिए, अगर हम महिलाओं को बस में फ्री सेवा दे रहे हैं तो उससे बेनिफिट हर परिवार का है। महिलाओं की राइडरशिप भी बढ़ी है बसों के अंदर में, जो डेटा कहता है, उससे वर्कफोर्स भी बढ़ रहा है। मतलब महिलाओं को आज अगर कोई मान लीजिए 20,000 रुपया महीना कमाते हैं और उनका अगर 2,000 रुपया भी महीना बच रहा है तो वो बचत है, उससे पूरा परिवार का तरक्की हो रहा है। पर था तो चुनावी, मुझे याद है था तो ये चुनावी, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और हमने तो आज तक देखा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं 72 साल से गरीबी हटाएंगे, भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे अंत्योदय करेंगे,
क्या है अंत्योदय? पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला। आजाद भारत के अंदर में पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज हर परिवार को कम से कम 5,000 रुपया महीना बच रहा है। बुजुर्गों का पेंशन 2 गुना कर दिया, विधवाओं का पेंशन 2 गुना कर दिया, विकलांगों का पेंशन 2 गुना कर दिया, महिलाओं के लिए फ्री बस कर दी, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना से गरीब का बच्चा भी IIT की कोचिंग करके जो है सो कंपीट कर सकता है और मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। ये तमाम कुछ सवाल काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। जैसे आपने आपने कहा कांग्रेस का नाम लिया, ठीक है कि कांग्रेस ने इतने सालों में ये नहीं किया, ये मोदी जी की भाषा नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक बात, 70 साल कहते हैं वो, मैं मतलब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अच्छा चलिए वो कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं, एक हम सुनते आ रहे हैं। देखिए अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हर चुनाव में गरीबी हटाओ। अरे कैसी गरीबी है जो हटने का नाम ही नहीं ले रही है? तो कहने का मतलब एक सरकार है जो वाकई काम कर रही है, और हर देखिए मैं केवल गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हर सेगमेंट के लिए काम कर रही है। वो गरीब के लिए भी काम कर रही है, वो महिला सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है। आप अगर आप देखोगे गारंटी कार्ड हमने CCTV कैमरा लगाया, उससे महिला सुरक्षा के मतलब दिशा में काम हुआ। हमने महिलाओं के लिए अगर फ्री बस राइड दिया तो महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिया। अगर हमने बसों में मार्शल लगाया तो विमेन सिक्योरिटी है। आज अगर हम बात करें, अगर हम आज लोहे की गेट लगा रहे हैं तो उससे विमेन सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर आज हम मोहल्ला रक्षा दल की बात कर रहे हैं, अगर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और हम हर मोहल्ले के अंदर में सिक्योरिटी डिप्यूट करेंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर डिप्यूट करेंगे, उससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होगा। और जितना भी ये एंटी सोशल एलिमेंट्स होता है जो कि कॉलोनी के आसपास भटकता है, पुलिसिंग बहुत इनइफेक्टिव है ना। पुलिस के पास आप जाओ तो वो तुरंत कह देंगे कि हमारे पास क्या बोलते हैं स्टाफिंग शॉर्टेज है, ये है वो है, क्योंकि हर थाना आज के तारीख में शॉर्ट स्टाफ्ड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम है और बहुत बढ़िया काम है, और मुझे लगता है कि महिला सिक्योरिटी और गरीबों के लिए और मतलब मिडिल क्लास के लिए, हर सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब मुझे कुछ सवाल तो आपसे ज़रूर करने हैं, वो सवाल ये है कि क्या केजरीवाल सरकार ने बहुत लंबा समय अपने 5 साल के कार्यकाल का एक लंबा समय लड़ाई झगड़े में विवादों में बिताया, केंद्र के साथ अधिकारों के बंटवारे को लेकर क्या इसे किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था? क्योंकि हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनती थी, जैसे मान लीजिए जैसे रोज़ अखबारों की सुर्खियां बनती थी, रोज़ इसी बात को लेकर आपका विवाद सामने आता था, तो क्या इसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था? स्वाति जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? सबको हेल्थ सर्विसेज सस्ती मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं बनने दे रहे थे? क्या CCTV कैमरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो क्यों नहीं लगने दे रहे थे? तो जाहिर सी बात है, जब आप अननेसेसरी ऑब्स्टेकल क्रिएट करोगे, आप नहीं करने दोगे और आपसे अधिकार भी छीन लिया गया है कि नहीं, LG को फाइनल अथॉरिटी मान लिया गया हाई कोर्ट के अंदर में, तो आप क्या करोगे? लोगों ने तो आपको वोट दिया है ना। जनतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता का चुनाव हुआ प्रतिनिधि सबसे ऊपर होता है। वो क्यों होता है संविधानिक रूप से? क्योंकि मतलब जनतंत्र के अंदर में जनता के प्रति कोई अकाउंटेबल है तो इट इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पर ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना दिल्ली का, फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई गली नहीं बनी है, तो कौन इंजीनियर्स को गाली देता है, कौन डिपार्टमेंट को गाली देता है? आप पूरे इलाके में घूम के आए, किसी की सड़क अगर नहीं बनी है तो गाली किसको दे रहे हैं? वो विधायक को दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं? उनके लिए उनका इंजीनियर, उनके लिए उनका सब कुछ विधायक है, उन्होंने वोट किसको दिया? विधायक को दिया। तो ये जो सड़क बन रही है नांगलोई से मुबारकपुर की तरफ, ये क्या विधायक जी ने अपने फंड से पैसा देकर इसलिए बनवाया कि उन्होंने गालियां खाई हैं? देखिए कह सकते हो, क्योंकि वो MCD की सड़क है, लेकिन क्या है कि लोगों को एक्चुअली में लोग भी मान के बैठ चुके हैं कि MCD इतनी निकम्मी है कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, या शायद इतना विभाजन स्पष्ट नहीं है। देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट का पंगा तो है ही दिल्ली के अंदर में, लेकिन आप 100 में से 90 लोग MCD को कुछ कह ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं MCD की सड़क है, उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे, हमने 4 साल इंतजार इसी बात के लिए किया कि हो सकता है अब बनाएंगे। वो पूछ रहे हैं 4 साल इंतजार क्यों किया? मैं वही कह रहा हूं, 1 साल 2 साल। आप एक चीज़ बताइए, लोग 3 बार वोट देते हैं, निगम में भी देते हैं, विधानसभा में भी देते हैं, लोकसभा में भी देते हैं, बाढ़ में बह के तो कोई नहीं आता है।
सबकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के प्रति, मतलब आप जनता को याद दिलाना चाहते थे कि आपने एमसीडी के चुनावों में हमें हरा दिया, इसीलिए चार साल तक याद दिलाया गया जनता को। चार साल तक याद नहीं दिलाया गया, हमने इस बात का इंतजार किया कि हो सकता है वो बनाएंगे। लेकिन देखिए, खास करके किराड़ी जैसे क्षेत्र के अंदर में आप रिकॉर्ड जाके चेक करिए, मैं एक ऐसा विधायक हूँ जिसने अपना विधायक निधि एमएलए फंड 100% खर्च किया है। मीडिया के लोग ये दिखाते हैं कि इतने एमएलएज ने पैसा ही नहीं खर्च किया, एमपीज ने खर्चा नहीं किया, हमने 100%, क्योंकि यहाँ पे तो कितना भी पैसा आप लगाइए वो कम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम होना है। स्वाति जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं खुद कहता हूँ कि 100% काम नहीं हुए हैं, लेकिन 100% काम को करने की दिशा में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तीन विवाद आपसे, आपका आपके बारे में पढ़ते हुए मुझे तीन बड़े विवाद जो थे वो नज़र में आए, मैं एक एक करके आपसे सवाल कर लेती हूँ। अभी तो आप जैसे, अभी मैं विधायक ऋतुराज से बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो मुझे मृदुभाषी लग रहे हैं, फिर ये आरोप कैसे लगे कि विधायक आम आदमी पार्टी के कराड़ी से विधायक ऋतुराज गौतम ने बीजेपी की एक महिला को अपशब्द कहे? क्या कहा था? एक मामला था 2016 या 2017 का, फिर आपसे पूछा गया था, फिर नेशनल महिला कमीशन का वो भी आया था, किसी बीजेपी की महिला नेता के बारे में, या फिर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। नहीं, वो मैटर क्या था मैं आपको बताऊं। वैसे देखिए, एक्चुअली में क्या है, देखिए राजनीति के अंदर में एक लेवल होना चाहिए, और मेरा आज भी ये प्रश्न है कि आप अपने अधिकार का, आप अपने राइट्स का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका विरोध हमें करना चाहिए, हम चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों। और उसी के विषय में हमने एक बात कही थी, और आज भी मैं कहता हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत स्पष्ट है, मैं जलेबी नहीं बनाता हूँ, मैंने यही कहा था उस वक्त भी और आज भी मैं कहता हूँ कि आप एक ही तरह का केस बार बार करा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या वजह है कि, और हर केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, FIR दर्ज है, कोई मैं कही सुनी बात नहीं कह रहा हूँ। तो उसी के सिलसिले में हमने कहा था कि 2015 में चुनाव की रात में 2 बजे आपने हमारे 3 कार्यकर्ता के ऊपर में आरोप लगाया, और आप उसका अगर आप उसका FIR पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या FIR है। उसी के बाद कुछ सालों के बाद फिर से हमारे एक साथी हैं, उनके पूरे परिवार पर उसी तरह का आरोप लगाया गया, तो वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग अगर पॉलिटिकल मोटिव के लिए करते हैं तो ये गलत है, तो इसमें हमने क्या गलत कहा? वैसे मेरा मानना है कि कई बार नेता ना अपने तरफ के लोगों को, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं तो थोड़े नरम हो जाते हैं, अपने लोगों का भरोसा करते हैं, दूसरों का नहीं करते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा तो अभी भी मानना है कि मैं खुद महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी वाइफ खुद हमारी आंदोलन की साथी रही हैं, मेरी घर में मेरी मदर है, मेरी नानी है, हम पूरा परिवार साथ में रहते हैं, मेरी सिस्टर हैं, वो CYSS की प्रचारक होती थी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कभी भी किसी महिला के बारे में अपशब्द बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरी परवरिश या मेरा अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन ऐसी नहीं रही है कि जिसने मुझे सिखाया हो कि आप किसी महिला का डिसरिस्पेक्ट करें। मैंने एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी, और आज भी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आप कुछ भी हो सकते हैं, यू कैन बी ए CEO ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन आप भी अगर अपने अधिकार का इस्तेमाल किसी बिजनेस मोटिव से करते हैं या पॉलिटिकल मोटिव से करते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम, एक ऑपरेशन हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन, उसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे। इस इलाके में मैंने ये सुना है कि यहाँ सट्टेबाजी बहुत होती है, जुआ बहुत होता है, और उसमें आपने इनकार किया था, आपने कहा था कि आपका चेहरा है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं है, वो मॉब्ड है, ठीक है, और उसमें आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि पैसा कम आना हो गया है, पैसा, आमदनी कम हो गई है जुए से, सट्टेबाजी से, और आप अपने मॉडल टाउन के साथ ही विधायक का नाम ले रहे थे, एक और विधायिका हैं उनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि वो तो पैसा बना रहे हैं, फलाने ने तो इतने करोड़ का बंगला बना लिया, क्या था वो मामला? एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब मैं क्षेत्र में आया था तो जाहिर सी बात है हम लोग आंदोलन के सिपाही थे, तो हम लोग बहुत घूमते थे, लोग ये शिकायत बताते थे
कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो हमने उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने अनशन भी किया उसके लिए, लड़े भी, बहुत कुछ किया। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए, हम लोग नए थे, हम लोग लड़ रहे थे उसके लिए, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो तो पुलिस करेगी। पुलिस किसकी है? तो केंद्र सरकार की है। तो उन्हीं की एक लॉबी है जो हमारे, हमें मतलब बदनाम करने के लिए, कि मतलब एक ये पूरा नेटवर्क है, एक नेक्सस है पूरा का पूरा। जांच हुई क्या उस वीडियो की? कभी जांच ही नहीं हुई, वही तो बात है। अगर आप सोचिए, कभी अगर मान लीजिए उसमें 1% भी कोई सच्चाई होती तो उसकी सच्चाई आपको भी पता होती, हमें भी पता होती, तो उसकी कभी कोई जांच ही नहीं हुई, क्योंकि कोई सच्चाई थी। एक और सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे से होड़ के चक्कर में ये पूर्वांचली वोटर बटोरने के लिए क्या छठ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि बीते सालों में हमने देखा कि छठ को लेकर कई सारे क्लैशेज हुए हैं। ये क्लैश आपके इलाके में भी हुआ था जहाँ आप भी मौजूद थे, और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के अनिल झा, वो भी मौजूद थे, और पुलिस दोनों को लेकर गई थी। वो क्या मामला था? क्या वो आपके प्रतिद्वंदी से बात हुई? और अनिल झा का कहना है कि आप लोग वहां पर जाकर विश्वकर्मा की एक प्रतिमा लगा दी थी क्योंकि आप उधर के वोट हासिल करना चाहते थे, और ये सारा मामला था। वो करके आए आप? एक्चुअली में क्या है, देखिए, हमारा क्षेत्र पूर्वांचल बहुल है, और दिल्ली में 40 लाख की आबादी रहती है, और कोई भी सरकार जब बनती है, पब्लिक के जब रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना ये हमारी प्राथमिकता होती है। तो छठ महापर्व हम सब के लिए सब कुछ है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसका आयोजन अच्छे से हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग 15-15, 20-20 दिन की तैयारी करते हैं लिटरली। लेकिन घाट बनाने के लिए लड़ते क्यों हैं? घाट बनाने के लिए क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ। एक तालाब है निठारी गाँव के पास, जो तालाब बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था, सूखा हुआ तालाब था। तो यहाँ पे क्या है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो लोग छोटे छोटे गड्ढे करते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सोचिए जो मतलब जिसको लोगों ने आशीर्वाद दिया हो 26 साल की उम्र में, तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनको फ़ायदा हो। तो हमने क्या किया था, उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया था, एक पूरे छठ घाट की तरह से। और छठ घाट तो खैर क्या होता है, वो तो एक दिन की पूजा होती है, उसके बाद वो तालाब को भी रिवाइव किया जाए और उसमें पानी हो, वाटर लेवल भी ठीक हो, मतलब एनवायरनमेंट के दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा कदम था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बीजेपी के जो लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, वो बहुत घबरा गए उस चीज़ से कि ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि लिटरली वो बहुत बड़ा तालाब है, आप जाके देखेंगे वहाँ पे 10,000 से 15,000 लोग वहाँ पे छठ पूजा कर सकते थे, जिसमें अभी सूखा वो शैवाल भरा है, शैवाल भरा हुआ है क्योंकि 4 साल से वो वैसे अच्छा। ही वीरान पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोगों ने मतलब पॉलिटिकल रीजन से नालियाँ छोड़ दी, उसमें गंदा पानी छोड़ दिया, बहुत कुछ हुआ है जो कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने ज़बरदस्ती का विवाद किया जो कि पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड विवाद था, ताकि वो चीज़ हम नहीं कर पाए, वो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का प्रयास था, जिसमें मैं तो अब यही कहूँगा कि वो लोग सफल रहे, क्योंकि उन्होंने इतना विवाद क्रिएट कर दिया कि छठ का टाइम था, पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना था, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को ही उठा करके अंदर कर दिया, एक रात रहे लॉकअप में, दो रात रहे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए मुझे तो जिस जगह पर रखा गया था वो बादली में कौन सा तो नहर है, वो वहाँ पर छठ पूजा होती है, तो जिस कमरे में मुझे रखा गया था तो उसकी जो खिड़की है, उस खिड़की से मैं छठ को देख भी पा रहा था और छठ के गीत भी बज रहे थे। अच्छा, तो लॉकअप में भी हमने छठ मनाया था, ऐसा नहीं है। कैसा रहा था जेल का अनुभव? अच्छा था। खाने में क्या मिला था? दाल रोटी बहुत टेस्टी होता था उनका। जेल का दाल रोटी अच्छा होता जेल है? जेल का नहीं था, वो थाने का एक लॉकअप था, उसमें मतलब थाने का एक कमरा था, लॉकअप में बंद थे, उसमें रखा गया था मुझे। एक पुलिस वाला साथ में बेचारा लेटा होता था, तो हम टॉयलेट भी जाते थे तो वो मेरे पीछे पीछे जाता था, तो मैं उसको बोलता था भाई तुम ऐसा क्यों सर, हमारे आपकी सिक्योरिटी की बड़ा ध्यान रखना है। तो पुलिस के साथ तो आपका 36 का आंकड़ा रहता है ना, आप लोगों का, आम आदमी पार्टी का, तो इसका वहाँ पे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, पुलिस वाले भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें पुलिस वालों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है, और हम जब भी लड़ते हैं तो सिस्टम के लिए लड़ते हैं। और आज तक आप किसी भी पुलिस वाले से पूछिएगा, हम 5 साल विधायक रहे, हमने कभी भी किसी गलत आदमी की पैरवी नहीं किया होगा फ़ोन करके भी, तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो
ठीक है, लड़ाई झगड़े जनता के लिए लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। नहीं नहीं लड़ाई झगड़े मत लड़ा कीजिए, जनता कब कहती है लड़ने के लिए? जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के काम के लिए लड़ेंगे। चुनाव लड़ा कीजिए और काम किया कीजिए, बाकी लड़ाई झगड़ा क्या है? और वैसे क्या लगता है, जीत रहे हैं हार रहे हैं? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और 70 की 70 सीटें आ रही है। ये थे ऋतुराज गौतम जी, जो ऋतुराज गोविंद जी जो कि मूलतः बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और जिस तरह दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा, खास करके आउटर दिल्ली का हिस्सा, यमुना पार का हिस्सा, अब बाहर से आने वाले, खासकर यूपी और बिहार से आने वाले, काम की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, बेहतर अवसरों की तलाश में यहाँ पर आकर बसने वालों की वजह से ये दिल्ली बड़ी होती गई। उस आबादी में एक एक आप भी हैं, सिंगल इकाई, और ये अब उसी आबादी बहुल, उसी जगह से आने वाले लोगों की बहुतायत वाली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार उम्मीद है आपको चुनाव जीतने की। हम और भी इलाकों में जाएंगे, दिल्ली के अलग अलग चेहरे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये था ये वीडियो, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इस तरफ मैं हूँ स्वाति, और मुझे आप तक और ये सारी चीज़ें जो आप तक पहुँचा रहे हैं वो हैं राशिद, कैमरे के पीछे। शुक्रिया।